So guys, finally I've reached Bhubaneswar and I'm waiting for my ride, which will take me to my destination. Actually, यहाँ से पहले यूनिट पे जाएंगे and then after that we'll move to the respective destination. So I'll show you en route. So guys, finally drive आ गई. गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, बहुत खूबसूरत व्यू है. और थोड़ा नॉइज को इग्नोर करें क्योंकि हम लोग बीच में एक ब्रेक लिए हैं इतना खूबसूरत व्यू देखने के लिए. और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया यार. सुबह मैंने कहा था कि गर्मी होगी लेकिन मौसम मानना पड़ेगा. तो बहुत खूबसूरत मस्त वाला व्यू है. और ये हमारे साथ है मिस्टर सुधांशु, हमारे गाइड टूर गाइड. ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते हैं और पहुंच के बताते हैं कि लोकेशन कैसा है. और ये तो सीरियसली मस्त है, काफी स्पेस है यार. सीरियसली एसी वेसी मस्त. लुक एट द वॉलपेपर, सो कलरफुल. यहाँ पर क्या है? ओके, क्लोज दैट. ये मेरा बैग. Look at the washroom. It's so big.
बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छी हवा चल रही है और इतनी गर्मी में इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा है ना, बहुत अच्छी लग रहा है। सो राइट नाउ वी आर एट द बैकयार्ड ऑफ परम्बा जो कि है पंथ रिवास जो ये रिजॉर्ट के बैक साइड पे हमारा, और जो पीछे जो ये ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना पानी से, वो आ रही है चिल्का लेक से। ठीक है, तो ये जो पानी है ये सारा चिल्का लेक का, एंड पीछे जो हिल्स हैं दो आर एक्चुअली आइलैंड्स, यहाँ पे बोलते हैं ब्रेकफास्ट आइलैंड और हनीमून आइलैंड एंड मैनीमून। तो बहुत ही काम प्लेस है, सूदिंग प्लेस है, तो प्लीज़ डू विज़िट अगर आपको एक शांत सा हॉलीडे चाहिए, यहाँ पे क्राउड नहीं चाहिए बिकॉज टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम है एंड वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, आई थिंक कि बारिश होगी। सो डू विज़िट, और तब तक मैं दूसरी जगह पे भी आपको लेकर चलूँगा। सो कीप ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड विथ मी बिकॉज आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो गाइज, आज तो बहुत गर्मी है यार, और हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से, और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि आज का शूट जहाँ पे होना है। तो लास्ट डे अच्छा था, रात भी उतनी गर्मी नहीं लगी थी, हालांकि एसी रूम्स प्रोवाइडेड थे, बट ऑल टुगेदर इट वाज गुड। ठीक है, तो आगे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ आने वाला है। सो गाइज, आज का शूट कहाँ है? आज का शूट है ऋषिकुल्या बीच, थोड़ा लेस एक्सप्लोर्ड बीच है, बट गवर्नमेंट ने बहुत इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये एक्चुअली में ऑलिव टर्टल्स के लिए फेमस है, जो कि वहाँ पे आते हैं अपने नेस्टिंग एंड हैचिंग के लिए। तो अभी आई थिंक टाइम तो नहीं है उनका नेस्टिंग और हैचिंग का, बट लेट्स सी व्हाट वी गेट ऑन दिस अनएक्सप्लोर्ड बीच। आई होप कि बहुत अच्छा बीच होगा, एंड वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ड्राइव क्यों कर रहा हूँ यार, रोड्स इतने अच्छे हैं ना उड़ीसा के, सीरियसली बताऊँ, सच नीट एंड क्लीन रोड्स एंड सच स्मूथ रोड। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि भैया थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग दे दो ना, तो उसने दे दिया है, तो मैं थोड़े ड्राइविंग के मज़े ले रहा हूँ। तो चलिए, जब बीच पहुँचता हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि बीच कैसा है। सो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के ड्राइव के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं बीच, सामने ही दिख रहा है, और अगल बगल पूरा पानी आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ा सा वॉक करना पड़ रहा है, हमने गाड़ी अपनी छोड़ दी पीछे ही, यूनिट भी आ रही है। सबसे अच्छा चीज़ पता क्या यार, आज वेदर अच्छा है, तो गर्मी उतना नहीं लग रहा है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, खैर वो तो सी बीचेस पे रहती है, बट ऑल टुगेदर इट्स गुड। तो इसलिए हमारी जान बची हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे मैनग्रोव्स भी हैं पीछे, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो मैनग्रोव्स हैं। और ये जी स्टैंड पे आ गए हैं, ये आपको दिखाता हूँ समंदर। सो गाइज, ये था बीच जहाँ पे हम लोग शूट के लिए आए थे।
आए तो थे टर्टल्स के लिए, लेकिन ये उनका टाइम नहीं है, ना ही नेस्टिंग का ना ही हैचिंग का, बट ऑल टुगेदर बीच बहुत अच्छा है। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी आइए, बहुत खूबसूरत बीच है, बहुत शांत बीच है। अपने फैमिली को लेके आइए, अपने पार्टनर के साथ में आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आइए, मज़ा कीजिए। और काफ़ी लंबा बीच है, इन्जॉय कीजिए। और यहाँ पे आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑलिव टर्टल नेस्टिंग का बनाया भी हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं। हाँ गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि मैप जो था थोड़ा सा डिफरेंट शो कर रहा था। रशिकुल्या रिवर भी है, रशिकुल्या बीच भी है, एंड जितना हम लोगों ने व्लॉग में देखा था या फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि रशिकुल्या बीच करके कोई जगह है जहाँ पे ये ऑलिव टर्टल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप मैप में ऑलिव टर्टल्स ही डालिएगा, तभी जाके आपको इस जगह का लोकेशन मिलेगा, अदरवाइज़ आप कहीं और पहुँच जाइएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन आपको सारे के सारे आपको वीडियो में मिल जाएंगे, कहाँ पर कैसे रहना है, क्या करना है, नहीं करना है। सो टिल देन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पिक्चर स्पीक्स, एंड इट्स गुड बाय फ्रॉम मी विक्रम खालखो एंड माई एंटायर टीम। सो बाय बाय।